आगरा में पुलिस व एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के गांव अमानाबाद कनराऊ बॉर्डर बम्बा पर बरहन पुलिस व एसटीएफ टीम की संयुक्त कार्यवाही बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। तीन बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल, एक पिकअप मैक्स, एक मारुति सुजुकी ईको बरामद हुई है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसपी वेस्ट सत्यजीत गुप्ता व क्षेत्राधिकारी एतमादपुर अर्चना सिंह मौके पर पहुंचे। एसपी वेस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि थाना बरहन के आगरा जलेसर रोड पर कनराऊ बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल, मैक्स पिकअप व इको कार बदमाशों ने पुलिस चेकिंग देखकर यूटर्न लेकर भागने लगे। आसपास गश्त कर रही थाना बरहन पुलिस की गाड़ियों ने यूटर्न मारते देखा तो बरहन पुलिस और एसटीएफ ने गाड़ियों में सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश शौकत घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। कुल चार बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए, वहीं दो बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। बदमाशों के पास से दो देसी तमंचे, एक मोटरसाइकिल, इको गाड़ी व एक मैक्स पिकअप भी बरामद की है। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। थाना बरहन और एसटीएफ की जॉइंट ऑपरेशन से एक यहां पे पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें कुल 6 अपराधी थे, दो मौके से फरार हो गए। एक जो अभियुक्त था शौकत, उसके पैर में गोली लगी है। ये 25,000 का इनामिया था। इस पे लगभग एक दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, दो तमंचे हैं, एक बाइक है, एक इको गाड़ी है और एक मैक्स पिकअप है। सर, किसी की चोट आई है? हाँ, एक के पैर में गोली लगी है, जो कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी। ठीक सर।